हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बीरा एंड बीरा टॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एट द रेट बीरा टॉक्स एंड यू कैन आल्सो हिट द बेल आइकन, जैसे कि जो भी रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं दैट कैन रीच टू यू इंस्टेंटली। तो अभी 7:30 AM वाले जो मॉर्निंग सेश है उसके लिए मैं जा रहा हूँ स्विमिंग में, और उसके बाद जाके अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो संभालूंगा, और जो आज आएंगे लगभग 4 गेस्ट और आएंगे होम स्टे पे, तो उनको भी प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। तो आज का दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या रहता है। डाइट वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब जो मेरा बैली है वो ज़्यादा आ रहा है और जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी हाउ इट गोस। बाय बाय। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं XUV 700 के शोरूम, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब गाइज दो बिरा बोलेगा आज। तो गाइज दो बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। एक सरप्राइज तो बिरा ने करा दिया है, अब वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा वो क्या सरप्राइज है और क्या है और क्या नहीं है। मैंने बता दिया, जिमनी का सरप्राइज है। अब अच्छा, ये देखना है कि अलवर में पहली आती है या नहीं आती या है। नहीं आती है, और क्या नंबर आता है और क्या नहीं आता। हाँ, एक्सचेंज के थ्रू लिए तो उन्होंने कहा प्रायोरिटी पर रहेगा। अब देखते हैं कैसे, ये लोग मे एंड का बोल रहे हैं तो वेटिंग हमारी भी चालू है और उनकी भी चालू है। और हम गाइस राइट में आप शोरूम देख रहे हो महिंद्रा का, वहां पर जा रहे हैं। ये है नेशनल हाईवे, आपको दिखा देते हैं। ये आगे जाके NH पे कनेक्ट कर जाएगा, और अब हम जा रहे हैं। ये देखो, बच्चे को बिठा के कहीं से भी वहाँ गाड़ी मोड़ते हुए बिना हेलमेट के। और ये आ गया मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा GS 4-wheelers। यहाँ अंदर जाएंगे हम गाइस। आज यहाँ पे हमको जो है महिंद्रा की टॉप सेगमेंट महिंद्रा SUV 300 उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। गाइस ये देखो, ये शोरूम है हीरो का और ये है GS 4-wheel महिंद्रा का, ठीक है। और अब यहाँ क्या गाड़ी मिल रही होंगी, ये देखो यहाँ मिल रही है ग्रैंड विटारा। ये बाबू हो जाए अलवर के मौसे, जो चाहते हो वो नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्कॉर्पियो N है और XUV 700, बट जो हमारा मूड चल रहा है वो XUV 700 का ही है। तो अभी भैया के साथ जा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे। इत्सर भाई साहब भी आ गए साथ में, तो अब देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो गाइस ये हमने ले ली है महिंद्रा XUV 700 की टेस्ट ड्राइव। और बिरा कैसा लग रहा है 700 का, फीडबैक बताओ थोड़ा। फीडबैक चलाने में बहुत प्यारी, खोलना है एक बार। क्या चीज, पीछे बैठ के देखो। तो गाइज अभी हम देख के आए हैं XUV 700, और बिरा और मैं गए थे, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जाते रहते हैं। अब ये सीन है कि गाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मतलब XUV 700 आ तो रही है, पर कोई लोग कह रहे हैं उसके पार्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, कोई लोग कह रहे हैं उसका मतलब, एक तो शोरूम वालों को भाई पता ही नहीं है कि उसमें क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मतलब ऐसा फैमिली लग्जरी कार तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी XUV 700। परफेक्ट। हाँ, और जो स्कॉर्पियो N है वो है पूरी लौंडाई कार। हाँ, काफी ऊंची है। हाँ, तो मतलब, और जो रिव्यूज आए हैं सामने वो यही आ रहे हैं कि इसके थोड़ा मतलब जो पार्ट्स है उनमें टाइम लग जाता है, तो थोड़ा वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है अगर गाड़ी वाड़ी में कुछ इशू आता है तो। बट यूजेबिलिटी के हिसाब से काफी सही है दोनों ही कार, और प्राइस सेगमेंट भी बढ़िया है इसका। तो देखते हैं क्या रहता है फाइनल। आ जाएंगे हमारे पाजी घर पे गाड़ी लेके, फिर देखते हैं टेस्ट ड्राइव लेके। गाइस मैंने गाड़ी चलाई और मेरे दिमाग से निकल गया, बिरा ने बोला भी नहीं, बिरा ने नहीं चलाई, पर गाड़ी जो वो भगी है, और वो पेट्रोल ऑटोमेटिक थी, हमारा प्लान है डीजल ऑटोमेटिक लेने का। हाँ, पर भाई साहब जो वो गाड़ी भगी है, ओहो हो सफाई शट जा रही थी वो, मतलब खड्डे वड्डो का भी नहीं पता पड़ रहा था बिल्कुल, मतलब रपक के चलती है रोड से चपक के। और गाइस अब जिमनी आपको जैसे पता ही है कि बिरा की जिमनी बुक करा, और ये मेरा फोन।